तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हो यार सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो यार बहुत जल्दी बढ़िया हो जाओगे। यार सबसे पहले तो मैं यार शुक्रिया बोलना चाहता हूँ आप सबको इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि आप सोलो में कैसे कॉन्करर पुश कर सकते हो, ठीक है, जिस पे कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को आया है, लेकिन बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम भी आई है। ठीक है, वो वीडियो लोगों को बहुत ही पसंद आया, आप जाके देख सकते हो और उसके कमेंट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है। और उस पर बहुत लोगों की प्रॉब्लम आई है, जिस प्रॉब्लम को लेके मैं बहुत से सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले और प्रॉब्लम्स आई थी, मोबाइल लैग की प्रॉब्लम वगैरह, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया और स्पेशल आप जाके देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। और फिर एक और मैंने वीडियो बनाया जिस पर कि मैंने बताया कि आप कौन से मैप पे बेस्ट कॉन्करर पुश कर सकते हो, कौन सा मैप आपके लिए बढ़िया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यार ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है कि भाई हम क्राउन टायर पे हैं, एस टायर पे हैं, ठीक है, हमारा प्लस बहुत ही कम होता है यार, क्या करना है। तो भाई मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे उससे पहले यार एक मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया यार, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो नीरज सिंह भाई को शुक्रिया यार, इन्होंने मुझे 14 बाइक्स दिया है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा उसको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा, तो नीरज सिंह भाई ने हमको यार 14 बाइक्स दिया, स्पेशल थैंक यू यार नीरज भाई। तो भाई अगली बात करते हैं यार कि कैसे क्या सॉल्यूशन है कि भाई हमारा कम प्लस हो रहा है या फिर ज़्यादा प्लस हो रहा है। ठीक है भाई, इसका देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लॉजिकली बात करूँगा, ठीक है, कोई ऐसे फंडे नहीं मारूँगा कि भाई ये है वो है, लॉजिकली बात करता हूँ। मेरी प्रोफाइल पे जाना है, मैं अपनी प्रोफाइल पे गया, ठीक है, यहाँ से गए हम लोग स्टैट पे, ठीक है, अब सोलो में हमने इस सीज़न सोलो देखते हैं, ठीक है, कहाँ गया सोलो, ये रहा, ठीक है, इस सीज़न मैंने खेले हैं 82 मैचेस, विंस 6 हैं, ठीक है, KD 3.3 का। अब आप लोगों को दिख रहा होगा एक ग्राफ साइड में दिख रहा है, रेटिंग मेरी 90.9 है, ठीक है, एक ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफ में देखो आप विन रेशियो है, सर्वाइवल रेशियो, टोटल रेटिंग है, मैचेस है, हील है, ठीक है। यहाँ पे मेरी उतनी अच्छी नहीं है इस सीज़न, क्योंकि इस सीज़न में कोई अच्छे से खास खेल नहीं रहा हूँ। अब बात करते सीज़न 11 की, जब मैं पुश कर रहा था, कॉन्केरर पुश कर रहा था, तो वहाँ पर मेरा ग्राफ देख सकते हो आप, ठीक है, तो रेटिंग मेरी 94.6 की है, हील देखो 100, विन रेशियो 100, सर्वाइवल 93.8 जो कि बहुत ही बढ़िया है, टोटल रेटिंग तो 100 होती ही है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ग्राफ मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखा था अपना सीज़न 11 में। तो कोशिश आपने करनी है कि ये ग्राफ आपको मेंटेन रखना है, अगर ये ग्राफ ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहा ना तो समझना कि आप प्रोग्रेस पे हो, ठीक है, ये ग्राफ अगर आपका मैक्स होता जा रहा है समझ लेना आप प्रोग्रेस पे हो। अब बात कर लेते हैं प्लस माइनस किस पे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह सर्वाइवल है, राइट साइड कॉम्बैट है, इन दोनों को मिला के आपका प्लस या माइनस होता है, आपके जो रेटिंग होती है वो प्लस होती है या माइनस होती है। आप लोग देख सकते हो मेरे लॉन्गेस्ट सर्वाइवल एक में 30.5 मिनट, एवरेज सर्वाइवल देख लो 21 मिनट का, जो कि कुछ खास नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि आपका एवरेज सर्वाइवल 26 मिनट्स हो, 25 मिनट्स आपका एवरेज सर्वाइवल हो। अब अगली बात आ जाती है यहाँ पे कि टॉप 10 में आपको आना है, मेरा टॉप 10% आप लोग देख सकते हो, टॉप 10 कहाँ पे है, कहाँ गया, टॉप 10% है मेरा 63.2%, जो कि कुछ खास नहीं है, आपको अगर रखना है अपना मेंटेन 70% रखना है, ठीक है, मैं आपको अपने से बेटर बता रहा हूँ कि अपने से बेटर तरीका बता रहा हूँ कि आपको 70% मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है चिकन डिनर, 495 में से मेरे 48 विंस थे, जो कि कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे पास इंडिया के फ्लैग पे 16 विंस का टाइटल आने वाला था अगर मेरे 51 विंस होते इसकी जगह, तो इस वीक में जिस वीक का ये है रिजल्ट, उस वीक में अगर मेरे 51 विंस होते तो मेरे 16 विंस का टाइटल होता। आपने भी कोशिश करनी कि आपके बहुत ज़्यादा विंस हो। अब अगली बात क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा आपको कि जिससे कि आपका थोड़ा ज़्यादा प्लस हो। देखो सबसे पहले तो सर्वाइवल करना है आपको। अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मान लो आप लोग उतरे हो, ठीक है, हॉट ड्रॉप लिया आपने, क्राउन टायर पे हो अभी, हॉट ड्रॉप लिया, ठीक है, वहाँ पे आपने 5 बंदे मार दिए हॉट ड्रॉप लेके, ठीक है, और थोड़ी आगे जाके अभी तक 50 अलाइव बचे हैं बंदे और आप मर जाते हो, ठीक है, तो ये मत सोचना आपने 5 किल किए तो आपका प्लस होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि उस किल रेटिंग तो बढ़ेगी लेकिन सर्वाइवल रेटिंग तो घटा देगी ना आपका, क्योंकि सर्वाइवल तो आपने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि अब तक 50 बंदे अलाइव हैं, ठीक है, 10 मिनट में आप किल करके मर जा रहे हो तो वो तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो स्टार्टिंग में फाइट अवॉइड करो, बॉट वॉट मारो अगर बॉट मिलते हैं तो, बॉट स्कैम से बचो, और ये बात ध्यान रखना कि हॉट ड्रॉप अवॉइड करो, सर्वाइवल पे ध्यान दो। स्टार्टिंग में अगर आप लोग रश करते हो, ठीक है, वहाँ पे आपका 50-50% चांस है, 50-50% चांस है, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखो मैंने इस वीडियो में बोला कि भाई सर्वाइव करना है, लेकिन बंदे उसका गलत मतलब ले रहे हैं, कुछ बंदे क्या करते हैं कि टॉप 10 में आ गए हैं भाई, फिर भी उनको ये सोचा है उन्होंने कि भाई अब तो चिकन डिनर निकालना है, टॉप 10 में आके भी कैंप कर रहे हैं, ठीक है,
तो ऐसा है कि भाई टॉप 10 में आप लोग तो आ गए हो, ठीक है। अब आप लोग इस बात पे कॉन्फिडेंट हो कि अब तो चिकन डिनर करना है। देखो टॉप 10 में आए हो, बाकी जो 9 बंदे आए हैं आपके साथ वो भी टॉप 10 में आए, वो तो भाई बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई आपको चिकन डिनर करने दें। वो तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देंगे ना कि हम चिकन डिनर करें, आपको क्यों करने देंगे वो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि चिकन डिनर अगर होता है तो होने दो, नहीं होता तो मत होने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए चिकन डिनर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि चिकन पे फोकस नहीं करना है, चिकन पे फोकस करना है, लेकिन एक तरीका होता है वो मैं बताता हूँ कैसे। टॉप 10 में आ गए हो, ठीक है। अब टॉप 10 में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम की छोटा सा सर्कल होता है, ठीक है, छोटा सा सर्कल होता है वहाँ पे। अब अगर आप वहाँ भी कैंप करोगे तो चांसेस आपके कम है कि आप लोग जीतो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक बंदे बचे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है आपको, किल्स निकालने हैं। टॉप 10 में आ गए हो, अब आपने ये सोचना है कि भाई उसमें से 3 किल तो मेरे होने चाहिए। टॉप 10 में आए हो, वहाँ पे 3 किल आपके होने चाहिए। 3 किल अगर आपके होना तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप 3 किल टॉप 10 में से अगर आप निकाल ले तो। उसके बाद बात आ जाती है एक और पॉइंट जो कि बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट है प्लस करवाने का। इसमें अगर आप लोग टॉप 3 में आ जाते हो, टॉप 10 से हट के किल विल करके टॉप 3 में आ गए, बचे हो आप बाकी के 2 बंदे, ठीक है। वहाँ पे कभी भी आप लोग पहले रश मत करना, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाएगा, 100% चांस है कि थर्ड पार्टी होगा। वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि जो 2 बंदे बचे हुए हैं उन दोनों बंदों को पहले लड़ने दो, क्योंकि वहाँ पे आप किल मत ढूंढना भाई, टॉप 3 बंदे हैं तो आप सोच रहे हो कि भाई दोनों को मैं मारूंगा, वहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, वहाँ पे ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप रश करने जाओगे आपकी हेल्थ वगैरह कम होगी, हेलमेट वेस्ट टूटा होगा, थर्ड पार्टी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो मार देगा आपको, चिकन डिनर चला जाएगा सेकंड पोजीशन पे आके, फिर रोते फिरोगे कि भाई चिकन डिनर आ गया था, छूट गया हाथ से। तो कोशिश ये करनी कि वो 2 बंदे पहले लड़े और आप थर्ड पार्टी करो, उनकी हेलमेट वेस्ट डैमेज होगी दूसरे बंदे की और आप आसानी से मार दोगे, ठीक है। और उसका किल तो मिल ही जाएगा साथ में, 1 किल तो मिल ही जाएगा और साथ में चिकन डिनर मिल जाएगा। तो देखो भाई हो गया ना फायदे का सौदा, प्लस भी ना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपके पास टॉप 10 में आ गए ना और चिकन डिनर है, आपके पास चिकन डिनर है तो आपका प्लस होगा, अगर आपके पास 5 किल हैं चिकन डिनर है 5 किल के साथ, तो आपका प्लस आसानी से हो जाएगा 16-17 प्लस, जो कि सोलो में बहुत ज़्यादा प्लस है, ठीक है, सोलो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यार 16-17 प्लस यार इतना तो बहुत कम है, भाई वो सोलो में इतना ही होता है, ठीक है। जो पहली बार सोलो खेल रहे हैं उनको मैं बताता हूँ, सोलो में इतना ही प्लस होता है, ठीक है। एस पे, ग्राउंड 1 पे, 2 पे, 3 पे इतना ही प्लस होगा। तो सबके लिए रूल सेम है, आपके आपके लिए स्पेशल नहीं है कि आपका स्पेशल कम प्लस हो रहा है, सभी का ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्किल्स चिकन डिनर नहीं है और 4-5 किल हैं तो आपका प्लस होगा 10 प्लस होगा, 11 प्लस होगा, ठीक है, एवरेज ये रख लो, जो कि बहुत आसान, बहुत अच्छा, आसान नहीं मतलब बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको दुखी नहीं होना, छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुश रहना है, छोटा छोटा प्लस में, ठीक है। बस स्टार्टिंग में रश नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे माइनस से तो 1-2 प्लस सही है ना। तो होप गाइज यार आपको ये वीडियो पसंद आई है यार, पसंद आई और लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो यार सब्सक्राइब कर दो यार। एक बात और करना चाहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की यार, तो बात ऐसी है कि यहाँ पे तो पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिख के भेज दो जिससे कि मैं समझ जाऊँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और यार ऐसा है ना कि यहाँ पे मेरी फ्रेंड लिस्ट भी फुल हो जा रही है, बार बार फ्रेंड लिस्ट फुल हो जा रही है जिससे कि दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं ना। तो यार एक काम करना, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग DM कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो मैं वहाँ पे जाके सॉल्यूशन दूंगा। अगर वीडियो बनाने लाइक होगी तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और भाई एक काम और करना, जैसे कि नीरज भाई ने मुझे पॉपुलैरिटी दी, अगली बार जो भी बंदा पॉपुलैरिटी देगा उसको मैं स्पेशल शाउट आउट दूंगा अपनी वीडियो में। तो यार बस यही था आज के लिए वीडियो में यार, अगली वीडियो आने वाली है यार रॉयल पास कैसे ले सकते हो आप लोग फ्री में, बोलो एक्साइटेड हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कुछ खास नहीं है। वैसे काम करती है ट्रिक, आसानी से आप लोग सीजन 11 का 12 13 का रॉयल पास ले सकते हो, ठीक है, और फ्री यूसेज ना चाहे आप ले सकते हो, ठीक है। तो यार बस यही था, इतना ही वीडियो था यार, बाकी सपोर्ट करते रहो यार, बहुत ही शुक्रिया इतने ज़्यादा सपोर्ट के लिए। 5 पॉइंट हमारे 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, मैं तो अपनी तरफ से वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, बाकी आपका काम है सपोर्ट करना। तो यार तो बस यार इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।